हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग हैं स्टैंडर्ड 4 के मैथ पेज नंबर 47 प्रैक्टिस कोच 4। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो चलो एक मैं बता देता हूं, एलसीएम तुम लोग पढ़ चुके हो, फिर भी एक मैं रिवाइज के लिए बता देता हूं। वैसे ही सारे नंबर बताना है, तो एक नंबर का जो है 72 और 96 है, इसका जो एलसीएम निकालना है एक नंबर में ए जो है उसका 72 एंड 96 है। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे दोनों नंबर को, जो भी कॉमन होगा। तो 72 और यहां हम लिख लेंगे 96, 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 8 एंड 2 ये हो जाएगा 48 हो गया। फिर दोनों 2 से हो जाएगा, 2 यहाँ पे 24 हो जाएगा, फिर 2 से 2 9 जर 18, 2 12 जर 24, 3 से अब दोनों होगा 3 3 जर 9, 3 4 जर 12। अब जो है यहाँ पे हमारे पास 3 से एक बार जाएगा, जो इसमें नहीं डिवाइड होगा तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर अब 1 से कुछ नहीं मतलब है, 1 वैसे ही उतार लेंगे और अब सारे हम प्राइम फैक्टर में कर लिए, 2 2 2 3 3 4 3 4। तो अब जो है ये सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 4। यहाँ पे 4 हम इसलिए किए हैं, वैसे रूल ये है कि यहाँ 2 से दो बार करना है, लेकिन 2 और फिर एक बार में 2 आएगा तो हम डायरेक्ट 4 से कर लिए हैं इसका। हालांकि ये प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन चूंकि ये दो बार में जाता है तो इसलिए हमने दूसरा नंबर नहीं है इसका, तो हमने 4 से डायरेक्ट कर लिया है इसको। तुम लोग दो बार में 2 1 2 और फिर 2 2 4 ऐसे दो फैक्टर इसके निकल जाएंगे, 2 दो बार आ जाएगा लेकिन नंबर उतना ही आएगा, इसलिए मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। एक नंबर है तो उसका एलसीएम निकालने में कोई मतलब नहीं रह जाता है उसको बार बार फैक्टराइज करने से, इसलिए मैंने 4 यही छोड़ दिया है। अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 2 8 3 24 3 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 288। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1D 108 and 144 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम रूल है, कुछ भी चेंजेज नहीं है, 108 and 144 दोनों इवन नंबर है तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 54 ये 72, फिर 2 से 27 ये 36, 3 से 39 जर 27 एंड 312 जर, फिर 3 से 33 जर 9, 34 जर 12, 31 जर 3, 4 वैसे ही आ जाएगा, 4 डिवाइड नहीं होगा 3 से। यहां पे हमने बताया था पहले क्वेश्चन में कि 2 से कैसे करना है, तो देख लो 2 2 जर 4 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा, फिर 2 1 वैसे ही आ जाएगा 200, तो ये 1 आ गया। तो यहां पे हमने पिछले क्वेश्चन में जो था वो छोड़ दिया था, इसलिए कि ये फिर से 4 ही होगा, तो इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया था। तो अब जो है हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2। तो ये हमारा एलसीएम होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी हमारा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद से वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 2 जर 4 3 जर 12, तो सब मल्टीप्लाई करने पे 432 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे ही सारे बना लेना है। यहां पे कुछ 3 नंबर भी दिए हैं, 3 हो 4 हो सब सेम बनेगा, तो इसमें का एक चलो देख लेते हैं, L देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने L लिख लिया है, अब इसको बनाने के लिए सेम वैसे ही अलग अलग ये तीनों नंबर को लिख लेंगे एक लाइन में 128, और देखेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा तीनों नंबर। तो 2 से सब डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले 2 ही देख लेते हैं, 2 3 जर 6, 2 2 जर 4,
ये 60 हो गया, ये 2 6 12, 2 4 64 हो गया। फिर 2 से इसको देख लेंगे, 16 2 जा 32 होता है, 32 जा 60 होता है, और ये 32। फिर 2 से 2 8 जा 16, 15 2 जा 30, 16 2। अब जो है यहाँ पे अभी भी दो नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे, तो इसको 2 से कर लेंगे फिर से, 2 4 जा 8, ये 15 वैसे ही होगा आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, एंड 2 8। फिर 2 से अभी जाएगा 2 2 जर 4, 2 15 ऐसे ही आ जाएगा, एंड 2 4 जर 8। फिर 2 से 2 1 जर 2, 15 फिर वैसे ही आ जाएगा, 2 2 जर 4। अब जो है हम इसको 3 से कर लेंगे, याद रखो हमेशा नीचे के नंबर से शुरू करना है, 2 नहीं जाएगा तो ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ 5 से कर लेंगे, 1 वैसे ही आ जाएगा, 5 1 जर 5, 2 एक 2 बच गया है, इस सबको 1 कर लेते हैं, 1 1 ये सारे नंबर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने जितने नंबर से डिवाइड किया है सारे नंबर लिख लिए हैं, 2 2 2 2 2 2 3 5 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 3 100 92। इसको अलग लिख कर भी तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 1920, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया एलसीएम। एक ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिव। If they change together there at 9 am, when will they change together again? तो यहाँ पे जो है हम तीनों का जो मिनट्स है उसका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब जितना आएगा उसमें 9 am के आगे वो टाइम जोड़ लेंगे, तो उतना बजे या उतनी टाइम पे फिर वो साथ में लाइट करेंगे। कह रहा है कि तीनों डिफरेंट लाइट एक साथ कब करेंगे, एक बार वो 9 am में किए हैं और उनका जो टाइमिंग है वो एक 10 मिनट पे आता है, एक 15 मिनट पर, एक 20 मिनट पे, तो तीनों का एलसीएम निकाल के और 9 am में जोड़ लेंगे, देखते हैं कैसे। चलो नंबर 2 का एलसीएम सबसे पहले निकाल लेते हैं। एक हमारे पास है 10 मिनट, दूसरा है 15 मिनट्स और तीसरा है 20 मिनट्स। तो इसका जो एलसीएम है सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 2 5 सर 10, 15 नहीं डिवाइड होगा, 2 10 सर 20, ये 5 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 1 जर 5, 5 3 जर 15, 5 2 जर 10। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 5 जर 10, 3 जर 30, 2 जर 60, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब जो है नेक्स्ट कब डिवाइड ये करेंगे, तो इतने मिनट के बाद, मतलब 60 मिनट के बाद, तो हमारा जो है 9 एम में एक साथ किए थे, तो अगली बार इसमें अगर 60 मिनट हम जोड़ देते हैं, 9 एम प्लस 60 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 10 एम, एक घंटा जोड़ देंगे उसमें 9 एम, फिर अगला जो उनका साथ में लाइट ऑन होंगे वो 10 एम में, ये तुम्हारा आंसर हो गया 10:00 AM। नंबर 3, फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 4 12 20 एंड 24 लीव ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस। कह रहे हैं कि ऐसा 5 डिजिट का एक सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि 4, 12 एंड 20 एंड 24 से डिवाइड होने के बाद से 3 उसमें रिमाइंडर बच जाए। तो करना क्या है, इन सारे नंबर्स का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन चारों का हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 2 2 जर 4, 2 4 जर 12, 2 10 जर 20, 12 2 जर 24, फिर 2 से 2 1 जर 2, 2 2 जर 4, 2 5 जर 2, 6 जर 12, फिर 2 से 1 वैसे ही आ गया, 1 ये 5 वैसे ही रह गया, और 2 3 जर 6। अब ये कोई डिवाइड नहीं होगा तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमारा जो एलसीएम हो जाएगा
एलसीएम हो जाएगा वो 2 × 2 × 2 × 5 × 3, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 5 = 40, 3 × 1 = 20। अब हमारे पास एलसीएम निकल गया। अब जो है सेकेंड स्टेप कह रहा है कि ये जो नंबर है वो 5 डिजिट के सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करे और वो रिमाइंडर हमारे पास 3 बच जाए। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव, ये 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हम जानते हैं कि इससे एक नंबर भी अगर हम नीचे जाते हैं तो 9999 जो कि 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा नंबर है। अब कह रहा है कि वो नंबर जो है इनसे इन सबसे डिवाइड हो और रिमाइंडर जो है हमारा 3 बच जाए। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। तो चलो डिवाइड तो तुम लोग जानते हो, चलो मैं करके दिखा देता हूं। 1 / 120, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं पहले। तो अब जो कह रहा है कि ये जो नंबर है सबसे छोटा है, तो लेकिन हम डिवाइड करने के बाद से हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 40 आ रहा है। तो अब इसके बाद वाला नंबर हम देखेंगे कि कौन सा होगा। तो रूल ये है कि हम जो है ये नंबर से अगर इसमें हम 80 जोड़ देते हैं तो 120 हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर्स में 3 जोड़कर हमको 3 रिमाइंडर चाहिए, 3 रिमाइंडर चाहिए। तो 120 प्लस 3 जोड़ लेंगे तो ये 123 हो जाएगा। इसमें से हम अपना रिमाइंडर घटा लेंगे 43 और 12 में से, तो 83 जो है अगर हम इस नंबर में जोड़ देते हैं तो ईच केस अगर हम डिवाइड करेंगे उन सारे नंबर से तो हमारा रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो हम जो है 10,000 में अगर हम 83 प्लस कर देते हैं तो हमारा 800, ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा जो इन सारे नंबर से चारों नंबर से डिवाइड होके और रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 15 और 24। तो 5 डिजिट का कोई नंबर ऐसा लेना है जो सबसे छोटा हो और इन सबसे डिवाइड होता। तो इन सब का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे 8, 15 और 24 का। चलो देख लेते हैं 4 नंबर में 8, 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा। तो 2 × 4 = 8, 15 वैसे ही आ गया 12, फिर 2 × 2 = 4, 15 और 6, फिर 2 × 1 = 15 और 3, 3 × 1 = 5 और 1। अब कोई नहीं है नंबर, तो ये सारे को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम हमारा हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 24 और 5 = 120। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो और वो नंबर 5 डिजिट का सबसे हो। तो सबसे पहले 5 डिजिट का एक सबसे छोटा नंबर, तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा 1000, 5 डिजिट हो गया। अब जो है हम इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो ये हमने डिवाइड किया था पहले, फिर से किए तो उतना ही आया 83 और हमारा रिमाइंडर 40। लेकिन कह रहा है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो, तो ये 40 हम इसमें अगर 122 से माइनस करके वो नंबर जोड़ देते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 120 में से 40 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। मतलब कि इसमें अगर हम 80 जोड़ देते हैं तो वो नंबर एग्जैक्टली 120 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10,000 + 80, क्योंकि हम जो हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो 40 बचा है, तो 120 − 40 = 80। सो ये 80 हम 10,000 में जोड़ देंगे तो 10,080, ये जो हमारा नंबर है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। चलो नंबर 5 भी देख लेते हैं। ए बॉय सेव्स 1.25 रुपीज पर डे, व्हाट इज
द लीस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच ही विल बी एबल टू कन्वर्ट हिज सेविंग इनटू ए 50 रुपीज नोट। तो एक रुपया 25 पैसा रोज बचाता है, तो 50 रुपीज का नोट लाने के लिए वो कितने दिन में वो जमा करेगा तो आ जाएगा। तो इसको जो है तुम 50 रुपीज को 1.25 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अगले लेसन में फिर मिलेंगे, यहीं पे ये लेसन खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।